हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कुछ घर का सामान, किचन का भी आप बोल सकते हो, किचन के लिए भी मैंने कुछ सामान खरीदा है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट लेना चाह रही हूँ, ये मेरे काम आएगा या वेस्ट हो जाएगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैंने जितना भी अपना सामान खरीदा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। जिनके पीछे मैंने अपना पैसे ख़राब किए हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी, ताकि आप भी अपने पैसे ख़राब ना करो इन प्रोडक्ट्स के पीछे। अब बातें हो गई है बहुत सारी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे बेस्ट, सबसे काम आने वाली चीज़ जो कि हमारे किचन में होती है, उसी के साथ मैं आज की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके की सिलेंडर ट्रॉली है, यूज़फुल क्लासी सिलेंडर ट्रॉली। ये सिलेंडर के नीचे रखा जाता है, जिसके नीचे आपको यहाँ पर चार टायर्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये फिट होते हैं, चारों जगह पर ये फिट हो जाते हैं, ताकि हमें जब सिलेंडर को किचन से बाहर निकालना हो या फिर उसको अंदर डालना हो, तब ये बहुत अच्छे से हमारे लिए काम आता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि पानी लगने की वजह से जो हमारे किचन में जंग लग जाता है, और प्लस हमारे सिलेंडर को भी जंग लगता है, तो उससे भी ये बचाता है, हमारे सिलेंडर्स भी सेफ होते हैं, और हमारा किचन का जो जंग खाने वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। मीशो से मैंने सबसे पहले ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, यह स्टील का है, और इसके टायर जो आप देख रहे हो, ये इतनी अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं जिन पर कितना भी ज़्यादा वेट आप डाल सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसके अलावा, सिलेंडर के अलावा, आप कुछ और भी इस पर रख सकते हो। ये एक सिलेंडर ट्रॉली मैंने ली हुई है अपने किचन के लिए, मुझे 259 रुपीज़ का मिला है। जो मैंने शॉपिंग की है अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए, जो भी आप बोल सकते हो, वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ है, और जो मुझे जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिले हैं, वो मैंने मार्केट से ख़रीद लिया है। वो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने अपने घर के लिए लिया हुआ है, ये है एक अट्रैक्टिव टूथब्रश होल्डर। वॉल में ये कुछ इस तरीके से हैंगिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आप अपने ब्रश होल्ड कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना कोई भी टूथपेस्ट रख सकते हो, और सेफली हमारे टूथब्रश जो है इसमें समा जाते हैं। इस्तेमाल करने में ये बिल्कुल इजी होता है, इस तरीके का है, जो कि इसमें आप अपने ब्रश होल्ड करके रख सकते हो। ये है टूथब्रश होल्डर, और ये है टूथपेस्ट होल्डर, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप अपने टूथब्रश जो है वो होल्ड करके रख सकते हो, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको ढक लेना है, ताकि आपके जो ब्रश हैं वो गंदे ना हो, उन पर धूल डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको ये टूथपेस्ट होल्डर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपना टूथपेस्ट आराम से निकाल सकते हो। इस तरीके का मिल जाता है, जिसमें आपका टूथपेस्ट चला जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपना टूथब्रश लेना है, यहाँ रखना है, इस साइड पर अपना टूथब्रश आपको रखना है। इसके बाद इसको क्या करना है, ऐसे आपको प्रेस कर देना है, इस तरीके से। ये जो अंदर जाता है, ये यहाँ वाला जो ट्यूब है उसको प्रेस करता है, इसके बाद ये आपके ब्रश पर अपना टूथपेस्ट जो है वो पहुँचा देता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ इस तरीके का गैजेट है, जो कि बिना लाइट के चलता है, बिना बैटरी के चलता है। इस गैजेट का प्राइस है 175 रुपीज़। ये भी मैंने मीशो से ख़रीदा है, आप अपने मीशो ऐप पर इसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं, और बहुत सारे वेबसाइट से आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपको अपने मार्केट से भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मीशो से ख़रीदा है ये, और ये कहलाता है एक कॉस्मेटिक स्टोरेज बॉक्स। यहाँ से आपको इस तरीके का मिल जाता है, जिसमें आप कुछ भी अपना स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप मेकअप स्टोर करना चाहते हो तो मेकअप भी स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए तो आप उनके लिए भी ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। हमारे हर घर के अलग अलग तरीके होते हैं हर चीज़ यूज़ करने के, तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टिचिंग करते हो, आपको अपनी मशीन के कुछ सामान स्टोर करके रखना है, तब भी आप इसको परचेस कर सकते हो। आप इसमें अपनी सीजर रख सकते हो, और अपने रील्स वगैरह सब कुछ स्टोर करके रख सकते हो, आप जो चाहो वो स्टोर करके रख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का यहाँ से आपको ड्रॉअर भी मिलता है, ये देखिए। तो ये प्रोडक्ट मुझे मिला है 196 रुपीज़ का, और इसकी पैकेजिंग कुछ इसी तरह के बॉक्स में थी, जो कि बॉक्स पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। एक बालिश जितना इसका साइज़ है मेरे हाथ से, तो डिलीवरी चार्जेस के साथ आपको वो प्राइस शो करते हैं। और ये प्रोडक्ट हेल्पफुल है, आप इसे अगर लेने का सोच रहे हो,
कोई डाउट नहीं है, आप ले सकते हो। इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, कहीं से भी ये मुझे डैमेज सूरत में रिसीव नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने अपने किचन के यूज़ के लिए लिया हुआ है, ये है एसेंशियल चॉपर, जो कि आप अपने हाथों की मदद से कुछ भी चॉप कर सकते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें आप इससे चॉप कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी आप इससे चॉप्स कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखिए। इसमें आपको अलग अलग कलर्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा मीशो पर, अमेज़ॉन पर, बहुत सारे वेबसाइट्स पर, बट मैंने इसको मीशो से ख़रीदा है। कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से ये इसका ब्लेड जो है वो इस तरीके से घूमता है, तो इसकी मदद से आपके जो भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जो भी आप चॉप करते हो वो इस तरीके से चॉप हो जाता है। आपको इस तरीके का जो है ब्लेड मिलता है, 3 ब्लेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसका बाउल जो है कुछ इस तरीके का होता है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है आप इसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, नट्स, सालसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड चीज़ें आप इसमें चॉप नहीं कर सकते, ये जिस काम के लिए है आप उसी काम के लिए इसको यूज़ करो, वरना आपका ये जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है। इस प्रोडक्ट को मैंने 171 रुपीज़ में परचेज़ किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये ख़रीदा है अपने किचन के लिए, और जो मैं अपने घर पर जो क्रीम्स बनाती हूँ, ब्यूटी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, जो भी आप घर में जो भी DIY करते हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। खासकर मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा किचन में, या फिर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने घर पर बनाते हो, DIY अपने घर पर बनाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट हैं, काम आने वाली चीज़ है, इसीलिए मैं इनको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक मिक्सचर टूल है, कुकिंग टूल आप बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसा चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको अपनी बैटरीज डालना है, इसके बाद ये इस तरीके से चालू हो जाता है। ये देखिए, जो भी आपको मिक्स करना है वो आपको कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये जो बटन दिख रहा है आपको इसको प्रेस करना है, तभी ये शुरू हो जाता है। ये एक विस्क का काम करता है, ये बैटरी से चलता है, शेल से चलता है, तो कुछ इस तरीके का है। इसकी मदद से आप अपना दही, कॉफ़ी, मिल्क, बटर, जो भी है, जो भी आप मिक्स करना चाहो अपने दिमाग से, आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। अगर आप इसको लेना चाहते हो, इस गैजेट को आप लेना चाहते हो, तो ज़रूर ले सकते हो। मुझे 183 रुपीज़ में मिला है। फिर आपको ये मीशो से, अमेज़ॉन से, बहुत सारी वेबसाइट से मिलेगा, या फिर आप अपने मार्केट से भी खरीद सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हेल्पफुल है, मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट मैंने अपने किचन के लिए ख़रीदा हुआ है, कुछ इस तरीके के स्पैचुलस हैं, हुक नॉन स्टिक टूल्स हैं, कुछ इस तरीके के आप बोल सकते हो। इसको मैं आपको सबसे पहले निकाल के दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको यूज़ करने पर आपको क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसमें एक और स्पैचुला था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये है कुछ इस तरीके के कुकवेयर प्लास्टिक स्पैचुला फॉर नॉन स्टिक प्रीमियम सेट, इस तरीके का है। इसको यूज़ करने में एक प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप वो प्रॉब्लम सह सकते हो तो आप ख़रीद सकते हो, वरना आप मत ही ख़रीदो। तो ये जाने जाते हैं प्लास्टिक स्पैचुला, किचन कुकिंग टूल्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम ये है, स्टील, सिल्वर, जो भी हमारे किचन में जो स्पून्स होते हैं, बड़े वाले स्पून्स होते हैं, उनमें और इनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है, ताकि अगर मैं इसमें अगर कुछ हैवी खाना मिक्सिंग करती हूँ अपने किचन में, तो ये यहाँ से जो है वो इस तरीके से बेंड हो जाता है। ये अगर आप लाइट वेट खाना पका रहे हो तो ये उसका वेट संभालेगा, अगर आप हैवी कुकिंग कर रहे हो, मतलब ये किसी भी हैवी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकता है, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो आप इसको देख समझ कर यूज़ करें, अगर आपकी फैमिली बहुत कम है, अगर आप कम खाना बनाते हो तभी आप इसको ख़रीदो, वरना हमारा जो स्टील का, जो सिल्वर का स्पून्स है हमारे किचन में, टूल्स हैं या फिर स्पैचुलास आप बोल सकते हो, वही बेहतर होते हैं। इनकी ये प्रॉब्लम मुझे लगी है, और इसको भी आप किसी भी हैवी चीज़ के लिए, हैवी कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप इससे अपना पराठा सेक सकते हो, अपने पराठे को फोल्ड कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो, लेकिन आप इससे कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठा सकते। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, थोड़ा सा ही मैं प्रेशर दे रही हूँ और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो बहुत ही लाइट वेट, बोलने का मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट चीज़ें अगर पकाते हो, कुकिंग करते हो, तभी आप ख़रीदो, वरना आप मत ख़रीदो। आपका स्टील का, सिल्वर का, जो भी स्पून्स है वो ही बेटर है इन प्रोडक्ट से। और
इन दो स्पून की मैंने आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दी, सेम टू सेम इन्हीं इनकी भी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस टूल की लगती है, इस स्पून की लगती है। ये दिखने में कुछ इस तरीके का है, ये टोटल एक बाउल जितना स्पून है। डिश में से अगर मैं कोई भी हैवी चीज़ सर्व करती हूँ तो ये इस तरीके से नीचे झुक जाता है, तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। हैवी चीज़ों के लिए ये चीज़ नहीं है, आपको इससे थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी खरीदना पड़ेगा। सभी का यही हाल है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप जब भी अपने मार्केट से इस तरीके के टूल्स खरीदते हो, स्पून्स खरीदते हो, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से पुश करके देखिए, अगर ये फोल्ड होता है तो ना ही लो तो बेहतर है। फैमिली छोटी है, कुकिंग कम से कम करते हो तो ठीक है, चलेगा। बड़ी फैमिली के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। प्रोडक्ट मैंने अपने किचन के लिए ख़रीदा हुआ है, ये है कॉम्पैक्ट गार्लिक ग्रेटर एसेंशियल्स स्टील ब्लेड, जो कि कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है। इस तरीके के बॉक्स में आपको रिसीव होता है, और इसकी मुझे ज़रूरत थी, बट ये मुझे मीशो से नहीं मिला। मैंने बहुत तलाश किया मीशो पर, बट मुझे मीशो से नहीं मिला। होगा बट मुझे नहीं मिला है, तो इसको मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, ड्राई फ्रूट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब आप कुकिंग करते हो तो आपको ये इस तरीके से मैश करने में हेल्प हो जाता है। जब हम हमारी चाय बनाते हैं या फिर हम अपना जो भी कुकिंग करते हैं, तो आप इसमें अपना जिंजर गार्लिक जो है वो मैश कर सकते हो, तो अच्छे से ये क्रश हो जाता है। जिंजर गार्लिक ड्राई फ्रूट्स जो भी है, आप इसको आपको इसमें डालना है, इसमें इसके अंदर रखना है, इसके बाद आप इस तरीके से क्रश कर सकते हो। और ये मुझे मिला है 189 रुपीस का अमेज़ॉन से। अगर आप सोच रहे हो कि ये लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये रेकमेंड करती हूँ, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर गार्लिक जो है आपको, अगर उसको क्रश करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसकी मदद से अच्छे से अपना जिंजर गार्लिक जो है उसका पेस्ट बना सकते हो। ये नंबर वन क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप इसको बाय कर सकते हो, फुल पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस है 189 रुपीज़। मेरे चैनल पर आपको छोटे छोटे से कुकिंग वीडियोस भी मिल जाते हैं, जब मैं इनको यूज़ करूँगी अपनी कुकिंग में, तब आप अगर आप मेरे हर वीडियो देखते हो तो आपको ये भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। इस तरीके का आइसक्रीम स्कूप कटर है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो, अगर आपको स्टील में मिलता है तो बेस्ट है, आप स्टील में ही इसको परचेस करो। अगर आपको ना मिलने की सूरत में आप इसको प्लास्टिक वाले में भी परचेस कर सकते हो। हेल्पफुल प्रोडक्ट है, इजी है, यूज़ करने में भी इजी हो जाता है, कम यूज़ में आता है, तो इसीलिए आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। आइसक्रीम के लिए और वाटरमेलन को कट करने के लिए ये एक अच्छा कटर बन सकता है आपके लिए। तो पैसा वेस्ट तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन यूजेस कम है इसके, बहुत कम यूज़ में आता है, इसीलिए अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने अपने बेटे के लिए ख़रीदा है, ये है कैमल स्टूडेंट पोस्टर कलर, रिच एंड डीप कलर्स, 12 शेड्स आपको मिलते हैं। ये बेस्ट पेंटिंग कलर हैं, अगर आपके बच्चे पेंटिंग के शौकीन हैं तो आप उनको ये ज़रूर बाय करके दें। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि इससे ना पेंटिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, रियल लगती है। इसीलिए मैंने इसको दोबारा बाय किया है। फर्स्ट जो मैंने बाय किया था वो मैंने डीमार्ट मॉल से ख़रीदा था, सेकंड मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा है, जो कि 170 रुपीज़ का मिलता है। इसके पैकेजिंग भी बहुत मज़े की होती है, इस तरीके के 12 कलर्स आपको मिलते हैं। इनके जो कंटेनर है वो भी आपको कांच के मिलते हैं, इनमें कलर्स भी इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के कांच के बॉटल्स में आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी और प्यारी पैकेजिंग होती है इनकी। इसमें आपको ब्रश नहीं मिलता है, आपको ब्रशेस अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग जो है मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब ऑनलाइन पेंटिंग देखते हो, ऑनलाइन जो पेंटिंग करते हैं वो इसी कलर्स से करते हैं। पेंटिंग के लिए अगर आप कुछ तलाश कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, वैसे तो बच्चे छुट्टियों में ही होंगे, अगर आप उनको ये खरीद कर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, क्या पता उनको पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट होगा तो वो अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। और रियल लगती है, नेचुरल लगती है, रियल लगती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसी को बाय करती हूँ। ये एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पैंस लिए हैं, जो कि 1, 2, 3 प्लेट्स मुझे मिले हैं, ट्रे आप बोल सकते हो, कुछ इस तरीके के मिले हैं। मुझे पिज़्ज़ा बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं इनको
दूसरे कान के लिए मैंने इनको बाय किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपने घर के लिए ख़रीदा है। इस तरीके के तीन कंटेनर्स आपको मिलते हैं। तीन कंटेनर्स होते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए बेस्ट होते हैं और प्लस आप अपने किचन में भी रख सकते हो। इसमें आप अपने अलग अलग फ्लेवर के अचार रख सकते हो। कंटेनर है, इसमें एक स्पून मिलता है, प्लस आपको इसके साथ कैप भी मिल जाता है। नीचे आपको ट्रे मिलेगा। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ, इसकी प्राइस अगर आप सुनोगे तो बहुत ज़्यादा, शायद बहुत सारे लोगों को पता है या किसी को पता नहीं है, 99 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है, ख़रीदा है 99 स्टोर से। आपको साथ में ट्रे मिल जाती है, क्वालिटी नंबर वन है, 100 रुपीज़ में कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अगर आपके घर के करीब में 99 स्टोर है तो आप वहाँ से इस तरीके के चीज़ें खरीद सकते हैं। घर के लिए जो कि इसी रूम के लिए मैंने ख़रीदा है एक वॉच, ये भी मैंने 99 रुपीज़ में ख़रीदा है। क्वालिटी, दिखने में शो इसका बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। पैकेजिंग इसकी ऐसे ही आती है जिस तरीके से आपको अपने मार्केट में मिलती है, तो देख सकते हो इस तरीके की वॉच मैंने परचेस की है। इसकी क्वालिटी अच्छी है। वेट मैंने इसका देखा था, मुझे इसका वेट भी अच्छा खासा लगा। 99 रुपीज़ में आपको और क्या मिलेगा, इतने अच्छे मैंने दो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं 99 स्टोर से, और भी वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे। ये सारा जो घर का सामान आप देख रहे हो ये मैंने अपने खुद के पैसों से ख़रीदा है। इनको मैंने इसीलिए मैंने ख़रीदा है क्योंकि ये घर की ज़रूरत का सामान है, मेरी ज़रूरत का सामान है। अगर मैं अपने मिस्टर को बोलती तो शायद वो मुझे दिला देते, लेकिन मैं उनको बोल करना, परेशान करना नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं घर के लिए। मैंने आपको अपने घर की एक वीडियो में झलक दिखाई थी, तो घर के बारे में भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। घर की मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है, मैं आपको अपना पूरा घर दिखाना चाहती हूँ किसी वीडियो में। ऑलरेडी घर बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको बोलूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलकर, मैं उनको और ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए अब ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, आपके साथ ही वो ये प्रोडक्ट्स देखेंगे और बोलेंगे कि क्यों ख़रीदा, मैं घर बनाने के बाद ले लेता। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनको कैसे बताऊं घर बनने के बाद भी शायद हम पर खुदा ना खास्ता खर्च हो। आई होप कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। हम किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम खुद अपनी अपनी मेहनत से ही घर को तैयार करना चाहते हैं इसीलिए। और जो मैं जो अपने पार्लर के जो पैसे होते हैं और भी बहुत सारे काम हैं, मैं स्टिच करती हूँ, तो सब सारे पैसे कुल मिलाकर मैं सिर्फ अपने ही शौक के, अपनी ही खुद की चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ, मैं घर का, किचन का, बच्चों का बहुत सारा कुछ भी मैं खुद के पैसों से ख़रीदती हूँ। मैं मिस्टर को तब तक नहीं बोलूँगी जब तक घर नहीं बन जाएगा, इसके बाद मैं उनको बोलूँगी। वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको दिलाते रहते हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो मैं खुद अपने पैसों से ख़रीदती हूँ। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मीशो का है और मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, कुछ शॉपिंग मैंने की हुई है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी फैमिली के लिए मैंने कुछ खरीदा हुआ है। तो चलिए, बातें हो गई है बहुत सारी, वीडियो भी हो गई है बहुत ज़्यादा लेंथी, तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। आने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑलमोस्ट मेरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड मेरा चैनल है, आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर, शायद आपको कुछ ना कुछ आपके काम के वीडियोज़ मिले। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय।